किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि पेट का स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य है, यानी पेट यदि स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं, पेट अगर रोगी है तो हम भी रोगी हैं, क्योंकि 60% डिसीजेस का जो रूट कॉज है वो हमारी स्टमक प्रॉब्लम्स हैं। सारी रोगों की, समस्त रोगों की जड़ हमारी पेट है। यदि पेट हमारा ठीक होगा, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है, जो खान पान है, जिसकी वजह से जो पेट से संबंधित रोग हैं वो बहुत आम हो गए हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर की समस्या, चाहे गैस्ट्रिक हो या ड्यूडेनम हो, भूख का कम लगना या अधिक लगना, या पेट में कीड़े, पेट में गांठ या ट्यूमर का होना, पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे आप घर पर रहकर ही बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में, और मजे की बात बिना चिकित्सक के गए अपने ही लेवल पर कैसे कर सकते हैं ठीक, प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी इन्हीं सब बातों की। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो क्या क्या उपाय हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुजोग के हिसाब से स्टमक का कॉरेस्पोंडेंस हमारे हाथों और पैरों में कहां पर है। ये देखिए, मैंने ड्रॉ किया है, हाथों में स्टमक का कॉरेस्पोंडेंस हमारे यहाँ पर है। अब समझते हैं स्टमक हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हैंड में हमने बनाया स्टमक लेफ्ट साइड, और वहीं राइट हैंड में, क्योंकि लेफ्ट साइड है स्टमक, तो हमने बनाया लेफ्ट साइड। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एक जो है वो थंब से बहुत दूर है और एक हाथ में बिल्कुल थंब के पास में है। लॉजिक है कि लेफ्ट साइड है तो इसलिए दोनों हाथों में हम लेफ्ट साइड में ही स्टमक को ड्रॉ करेंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि सबसे पहले कलर थेरेपी से। कलर थेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पेट में कीड़ों का। हम जानते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, तो बच्चों की अक्सर हो ही जाया करते हैं पेट में कीड़े। कलर थेरेपी के हिसाब से जो अभी हमने मार्क किया है ये स्टमक का कॉरेस्पोंडेंस, तो इसी जगह पर ब्लैक कलर आपको अप्लाई करना है दोनों ही हाथों में, और भर देंगे। मैंने जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ तो अब समझ जाइए, दोनों ही तरफ हमें फिल कर देना है ब्लैक कलर से, या पूरे ही ड्रॉ कर दीजिए स्टमक को ब्लैक कलर से। तो देखिएगा कि जो पेट में कीड़े हो गए थे बच्चों के, उसमें अब आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, वही यदि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे ग्रीन कलर। तो जो अभी हमने दिखाया था ब्लैक कलर में, बिल्कुल इसी जगह पर हम ग्रीन कलर को भर देंगे, इधर भी और इस तरफ भी ग्रीन कलर से पूरा का पूरा हम स्टमक में फिल कर देंगे। तो देखिएगा कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर क्या करता है, मूवमेंट, ठीक है, या खाना रुका हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगा कि आपने भोजन को खाया और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल पेट भरा भरा सा लग रहा है, तब भी ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि विंड एनर्जी का है तो मूवमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि खाना रुका हुआ है तभी तो सड़ रहा है और तभी वो गैस बना रहा है, तो ऐसे में ग्रीन कलर जब आप लगाएंगे तो देखिएगा चुटकी बजाते ही कितनी तेजी से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आराम आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि किसी को पेट में गांठ है या ट्यूमर है। ऐसे कंडीशन में पेट में गांठ या ट्यूमर का होना, इसके लिए हमें सीड थेरेपी में जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मटर का दाना। आप चना भी ले सकते हैं, आपने पेपर टेप, क्योंकि हमें लेना होगा पेपर टेप, पेपर टेप में लगा लेंगे चने का एक दाना, और जो अभी हमने दिखाया स्टमक का कॉरेस्पोंडेंस, इसी के ऊपर हम इस मटर के दाने को लगा लेंगे। लेफ्ट साइड
लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और ऐसे ही दोनों पैरों में भी, क्योंकि सुजोग का मतलब ही है कि हम चार गुना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाथों में कर सकते हैं, दोनों हाथों में कर सकते हैं, दोनों पैरों में कर सकते हैं। यही बड़े मजे की बात है कि 4 times बेटर क्योंकि रिजल्ट्स मिल जाते हैं हमें सुजोग थेरापी से। लेकिन साथियों एक चीज़ ध्यान देने की, जब भी हम सीड यूज़ करेंगे तो हमें बार बार उस सीड को प्रेस करने की ज़रूरत है, प्रेशर देने की ज़रूरत है, कि प्रेशर देकर ही वो पॉइंट स्टिमुलेट होगा। तो आप समय समय पर हर 10-10 मिनट बाद, 15-15 मिनट बाद, आधा आधे घंटे बाद उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। ये आप जब करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अल्सर की प्रॉब्लम, जैसे ड्यूडेनम अल्सर हो सकता है या हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा कलर चेंज है। ये देखिएगा, लेंगे तो हम ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का स्केच पेन ही, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर में जो राइट हैंड साइड में यूज़ होगा वो होगा ग्रीन कलर, और लेफ्ट साइड में जो यूज़ होगा वो होगा ब्लैक कलर। कलर थेरेपी से राइट हैंड में ग्रीन कलर और लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर। अब बात करते हैं भूख कम या अधिक लगना। भूख यदि अधिक लग रही है या पेट की कोई भी समस्या, तो अब हमें यूज़ करना है क्लस्टर मैग्नेट। क्लस्टर मैग्नेट देखिए, एक तरफ से ये ऐसे होता है, दूसरी तरफ से ये ऐसे होता है सपाट। पेपर टेप में, इसमें भी हमें पेपर टेप ही लेना है, पेपर टेप में लगा देंगे क्लस्टर मैग्नेट इस तरीके से, और जो अभी हमने स्टमक का कॉरेस्पोंडेंस दिखाया इसी के ऊपर हमें क्लस्टर मैग्नेट को लगा लेना है। इधर भी सेम ऐसा ही, इस जगह पर भी क्लस्टर मैग्नेट चिपक जाएगा। और अब हमें बार बार प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, हम सोते सोते भी अपना ट्रीटमेंट क्लस्टर मैग्नेट से कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट, जैसे हम सभी जानते हैं, मैग्नेट क्या करता है, वो लोह तत्व को अपनी तरफ खींचता है। तो हमारे ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है जो कि लोह तत्व से भरा है, तो जब हम मैग्नेट्स को लगाते हैं तो ये ब्लड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली ये काम अपना कर देगा। अब हमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को वो बैलेंस कर देगा। तो जिन लोगों को भूख अधिक लग रही थी तो वो सेडेट करेंगे, या जिनके पेट में गांठ थी, ट्यूमर था, तब भी हमें क्लस्टर मैग्नेट का यूज़ करना है पावरफुल ट्रीटमेंट के लिए। अब वहीं अब बात करते हैं यदि किसी को भूख कम लग रही है। अब यदि कम भूख लगेगी तो कम खाएंगे, कम खाएंगे तो फिर ताकत कैसे आएगी, एनर्जी कैसे मिलेगी। तो अब हमें लेना होगा चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट देखिए, एक तरफ से ऐसे और ये दूसरी तरफ से ऐसे होते हैं। अब देखिए हम कैसे लगाएंगे, जो स्किन को टच होगा चक्रा मैग्नेट का वो ये कलर होगा, और जो बाहर से दिखाई देगा वो ये वाला, क्योंकि हमें टोन करना है। और यही चक्रा मैग्नेट स्टमक के कॉरेस्पोंडेंस पर हम ऐसे लगा लेंगे। दो चक्रा मैग्नेट लेंगे, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड साइड में भी। हम इस तरीके से चक्रा मैग्नेट को जब लगाएंगे, आप पैरों में भी लगा सकते हैं, तो देखिएगा कि कितनी जल्दी से, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इन चीज़ों में। तो आप इजी गोइंग में जब आप करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे तब आपको लगेगा कि कितना चमत्कारिक रिजल्ट्स है सुजोग थेरापी में। साथियों यदि आपको भी आवश्यकता है क्लस्टर मैग्नेट या चक्रा मैग्नेट की, तो जो नीचे वेबसाइट की लिंक दी है यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों हम कॉरेस्पोंडेंस के जरिए सुजोग थेरेपी को सिखाते भी हैं। यदि आपका मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, तब ज़रूर आप हमें कॉमेंट्स में लिखिए या हमें मेल करिए, आपको ज़रूर सिखा देंगे। इसके अलावा आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप एक्यूपेशियल थेरेपी से, सुजोग थेरेपी से जानना चाहते हैं, तब भी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।